Hello students, welcome. So in the previous class, we understood the about finding the square roots of number, rational numbers in the form of fractions, also the square roots of decimal. Today, let's start exercise 3.5. So. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है इनको अलग अलग इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना न्यूमरेटर का अलग निकाल लेना डिनोमिनेटर का अलग निकाल लेना है एंड आंसर रख देना है सेकेंड में आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्लेज ऑफ डेसिमल पिछली क्लास में हमने केवल उन के पढ़े थे अगर हमारा केवल एंड केवल सिंपल होल नंबर लिखा होता था इस रूट के अंदर बट यहाँ पे हमारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो हम इनको कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं हमारा सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है रूट टू वन अपॉन सेवन तो इसको कैसे फाइंड करते हैं चलिए आइए देखते हैं तो सेवन टू जब फोर्टीन वन फिफ्टीन मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया क्लियर है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम ये जो डिनोमिनेटर है हम उसका अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर अप एंड डाउन में जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया हमारा वन ज़ीरो फाइव और यहाँ हो गया हमारा फोर्टी नाइन अब जब ये हो गया तो हमें वन जीरो फ़ाइव को हमने सिंपली ये लिख दिया अपॉन इसको भी ये लिख दिया तो रूट वन ज़ीरो फाइव फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट हमें पता है कि सेवन होता है तो ये रख दिया ओके अब वन ज़ीरो फाइव का रूट हमें निकालना है तो रूट वन जीरो फाइव का रूट निकालना है हमें अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक तो उसके लिए हम क्या करेंगे वन जीरो फाइव क्लियर पॉइंट लगाया तीन डेसिमल प्लेसेस तक हैं तो हम चार पेयर बनाएंगे जीरो के क्लियर चार पेयर बना लिए हमने अब हम ये 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 और यहाँ भी पॉइंट के इस तरफ जब हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे तो इधर से बढ़ते हैं ये और ये क्लियर अब वन है यहाँ पे तो वन टाइम्स किया वन आया वन आया वन में वन जीरो किया तो यहाँ जीरो फाइव आ गया वन ऐड किया टू आया क्लियर जब टू आया अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जीरो फाइव है ये नहीं जा पाएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं जा पाएगा तो अगर क्योंकि अगर हमने यहाँ पे वन भी रखा वन यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमारा ट्वेंटी वन आ जाएगा तब हम रखेंगे क्या जीरो तो जीरो में जीरो गया जीरो आया रिमेंडर फाइव आया अब ये दोनों जीरो को हम उतार लेंगे तो यहाँ पे ये यह जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया तो जीरो ऐड किया तो ट्वेंटी आया क्लियर अब यहाँ पे ट्वेंटी के बाद हमें कोई ऐसा नंबर रखना है कि वो हमारा पाँच सौ से ज़्यादा नहीं जाए जब हम मल्टीप्लाई करें उस पूरे नंबर में तो हमने टू को रखा तो टू को यहाँ पे रखा तो फोर हंड्रेड फोर आ गया हमारा यहाँ पे आ गया नाइन्टी सिक्स टू को ऐड किया तो टू हंड्रेड फोर आ गया यहाँ पे अब नाइन्टी सिक्स है हमने इन दोनों पेयर्स को भी यहाँ कॉपी कर लिया अब हम यहाँ पर रख देंगे फोर को फोर को हमने यहाँ पर भी रख दिया तो फोर फोर जो सिक्सटीन फोर फोर सिक्सटीन वन सेवनटीन फोर टू एट ट्वेंटी फोर फाइव वन थ्री अब हम इस पेयर को यहाँ कॉपी कर लिए फोर को ऐड किया तो टू थाउजेंड फोर्टी एट आ गया क्लियर अब टू थाउजेंड फोर्टी एट आ गया अब फिर हम यहाँ पे किसी नंबर को रखेंगे तो फाइव को रखें सिक्स को रखते हैं एक्चुअली सिक्स रखा तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स कैरी किया थ्री सिक्स एट जा फोर्टी एट एंड थ्री फिफ्टी वन कैरी किया वन सिक्स फोर चाह ट्वेंटी फोर और फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन सिक्स टू चे ट्वेल्व यहाँ पे हमारा आया सिक्स नाइन यह आ गया अब हमने इन दोनों को भी यहाँ उतार लिया सिक्स को ऐड किया तो यहाँ आ गया हमारा जी क्लियर अब हम यहां पे कौन सा ऐसा नंबर रखें तो हम चलिए रखते हैं फोर को फोर को यहां पे भी रख दिया ये आ गया अब हमारा क्लियर जीरो फोर सेवन एट फोर वन अब ये रिमाइंडर हमारा बच गया उससे हमें कोई मतलब अब हमारा क्या आया है यहाँ पे अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक निकालने थे तो हमने क्या निकाला है अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकाला है तो रूट वन जीरो फाइव की वैल्यू टेन पॉइंट टू फोर सिक्स फोर क्लियर अब कल या पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जहाँ तक हमसे पूछा जा रहा है वहाँ तक हम देखते हैं अगर उसके बाद फाइव के ऊपर डिजिट है तो हम इसको बढ़ा देते हैं अगर फाइव के ऊपर डिजिट नहीं है तो हमारी वही वैल्यू रहती है तो वन ज़ीरो फाइव की वैल्यू क्या आ गई टेन पॉइंट टू फोर सिक्स क्लियर तो अब हमने रख दिया टेन पॉइंट टू फोर सिक्स अपॉन सेलन अब इस नंबर को हम सेवन से डिवाइड कर देंगे तो सेवन से जब हम डिवाइड करेंगे टेन पॉइंट टू फोर सिक्स को सेवन वन जे सेवन थ्री बचा पॉइंट लगाया पॉइंट लगाया टू आया फोर टाइम्स गया सेवन फोर जो ट्वेंटी एट फोर आया फोर आया सेवन सिक्स जो फोर्टी टू टू आया सिक्स आया सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन मिनटर फाइव तो ये हमारा फाइव आए पॉइंट लगा है ये आया अब सेवन सेवन जो हाँ फोर भी आएगा अभी तो फाइव फोर सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन का फाइव आए अब हमारा ये आ गया कितना वन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सेवन कितना आ गया वन पॉइंट फोर सिक्स थ्री सेवन आ गया अब अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस तक देखना था तो तीसरा डेसिमल प्लेस हमारा थ्री है और चौथा है हमारा सेवन जो कि पाँच से ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा वन पॉइंट फोर सिक्स थ्री को एक डिजिट बढ़ा देंगे फोर एंड दिस इज आवर आंसर तो आप लोगों को ये जो रेशनल नंबर्स दिए होते हैं उनका हमें ऐसे फाइंड करना होता है तो आई होप कि हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट करनी है इसको इवैल्यूएट करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्लियर जैसे मैंने इस पिछली क्लास में बताया था और उसके बाद जो भी इनका रूट निकलेगा उनको आपस में ऐड कर देना है फिर इसमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका भी स्क्वायर रूट का कर, फाइन करना ओनली स्क्वायर रूट फाइन करना है और ये सब के सब आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होंगे इसमें आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है क्लियर तो जब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है फ़ोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी दिया हुआ रूट 45 20, तो है रूट फोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी तो फाइव का फर्स्ट है रूट फोर्टी फाइव इंटू रूट ट्वेंटी ये दिया हुआ आपका, 20 है आपका ट्वेंटी है तो स्टूडेंट्स हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में और पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है कि अगर हमारा रूट ए इंटू रूट बी होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी ए बी क्लियर तो यहाँ भी देखिए रूट ए इंटू रूट बी अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमने इनको आपस मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट फोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले आए मल्टीप्लाई किया आ गया हमारा नाइन हंड्रेड अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है थर्टी एंड दिस इज अवर आंसर तो ऐसे ही इन सभी को करना है मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट आप लोगों को निकाल लेना है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा सो स्टूडेंट दिस वॉज योर एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव और इसी के साथ आप लोगों का लेसन थ्री खत्म होता है नेक्स्ट लेसन है हम लोगों का क्यूब रूट्स का वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से आज के लिए बस इतना ही थैंक यू एंड हैव नाइस डे